वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैवनी व्लॉग्स। क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। अभी तो मैं इस टाइम प्रेजेंट हूँ लेह में, तो हम निकल रहे हैं अभी क्या बोलते हैं पेंगोंग लेक के लिए। अभी रात के 9 बज चुके हैं। चलिए जी, आगाज़ करते हैं हम अपनी नई जर्नी का, जो कि हमने लेह से पेंगोंग की तरफ अभी मोड़ लिया है अपना रुख। वो दो तो बाइक पे चले गए हैं, मैं और कजाफी अभी गाड़ी में ही हैं। आगे जाके हम किसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी हम आगे जाके कहीं पे स्टे करें या सीधे निकल जाएं। अभी वेट कर रहे थे हमारा, हम पहुंच गए यहाँ पे उनके पास। कौन सी विलेज है ये? कारू Impossible. आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। हम इस टाइम कारू विलेज में पहुंच चुके हैं, इन्होंने हमारा वेट किया है यहाँ पे। तो अभी हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, हो सकता है हमारा नाइट स्टे हम यहीं पे करें, कहीं साइड में टेंट वगैरह लगा के अपना। तो फाइनली हमने टेंट अपना लगा दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सड़क के सामने लोकेशन पे। बाइक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी कर दी हैं और गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर दी है। तो अभी हम सोने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं सोने की, बिस्तर वगैरह डाल दिए हमने, सारा कुछ हो गया। दूसरे तो बोल रहे हैं हम गाड़ी में सोएंगे, हमने बोला सो जाओ यार, जहाँ सोना है इस टाइम जहाँ जगह मिलती है वहीं घुस जाओ। तो मिलते हैं सवेरे आपसे, तब तक के लिए आप भी सो जाइए, आराम कीजिए, मज़े कीजिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? अभी हम बस फ्रेश हो जाएंगे, सुबह फ्रेश होने के लिए चलेंगे, फिर उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर चलेंगे आगे पेंगोंग के लिए। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके। तो हम रेडी हो चुके हैं पेंगोंग के लिए, अब यहाँ से निकलेंगे हम पेंगोंग के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं था, बाद में बारिश पड़ जाएगी। तो वी आर रेडी फॉर राइड, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर राइड। चलते हैं फिर, बढ़ते हैं। अब हम बहुत खुश हो रहे थे और हमें पता था कि हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे सामने है, हम बढ़ चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। पर जो खुदा जाने हैं वो कोई नहीं जाने, फिर से वही बात हुई कि वो वाला रास्ता फिर से बंद था, हमें चेक पॉइंट से वापस आना पड़ा और फिर दूसरी जगह से मनाली वाली साइड से जाना पड़ा। जैसे ही हम मनाली रोड पर चढ़े, हमें दिखी बहुत सारी बसेस और बहुत सारी गाड़ियाँ और ट्रक्स बिल्कुल सड़क पर खड़े थे। हमें लग रहा था कि यहाँ से भी अब मुश्किल ही है, शायद ये वाला रास्ता भी बिल्कुल बंद कर चुके हैं। तो फिर हम लगे हाथों फिर वापस चले आए, लौट आए अपनी मंजिल से, मंजिल से फिर भी दूर। पेन बहुत हुई, दुख बहुत हुआ। चलो लेट्स सी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम पेंगोंग TSO 103 किलोमीटर है यहाँ से, चैंगले 33 किलोमीटर्स। अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो नाश्ता वगैरह कर लेंगे फिर आगे निकलेंगे, अगर छोड़ दिए वहाँ से आगे। तो भाई हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये भाई ये अपने पेंडू पंजाबी, जब भी आएंगे पेंगोंग, जब भी आना तो इस होटल पर जरूर विजिट करना, पंजाबी ढाबा, ठीक है ना? पंजाबी है गए, बल्ले बल्ले। ऐ दो वीर भी तैयार हो गए ने, और चलते हैं फिर असी पेंगोंग की तरफ। इतनी खुशी हो रही थी कि हमने सोचा कि अब हम निकल पड़े पेंगोंग की तरफ बहुत ही एंजॉय करने के लिए, बट वही बात हुई, फिर से आगे पुलिस कहां कहां से भाग के फिर वापस आए। तो भाई लोगों, हमारी जो पेंगोंग का जो प्लान था वो चौपट हो गया, इतनी बारिश पड़ गई कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो तभी हमें वापस कर दिया उन्होंने। अब हम यहाँ पहुँचे वापस, बाइक्स वगैरह वापस करेंगे, तो अब हम निकलेंगे गाड़ी में मजे लेके। कैसा मजा है? पानी कहाँ कहाँ से निकला ये बता, सच बता। कुछ नहीं बोल सकते, मुझे पता है कहाँ कहाँ से निकला है, पर वो ऑडियंस को बोलूँगा नहीं, बता नहीं सकते। हाँ सही। तो इतनी ठंड है यार, किचन किचन सोने का बेडरूम सब यहीं पता।
कमल देखो ये बेडरूम है तुम्हारा गांड को, ये देखो टी शर्ट पैंट सब कुछ गाड़ी में लटका रखा है। मजे लो जिंदगी के यार, तुम भी क्या याद रखोगे। इसकी तरफ देखो चड्डी इसकी नंगी। तो अभी दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ, एक सरप्राइज है यहाँ पे। सबसे बड़ी जो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है वो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में मैं आपको। वो पहाड़ चढ़ना है हमने। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो अभी ये इसका बैक साइड है, अभी बन रहा है। चले फिर निकलते हैं वापस। देख लिया आपको भी व्यू दिखा दिया मैंने इसका। बट अभी हम वहाँ जा रहे हैं जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ना, वो भी एक गुम्फा है। गुम्फा भाई लोगो, टेंट हमारा लग चुका है अभी यहाँ पे लेह में। आज हमारी दूसरी नाइट है। तो यहाँ बिल्कुल शानदार जगह मिली है हमें, लाइट वाइट सारा कुछ है यहाँ पे। तो अब कुक हमारे रेडी कर रहे हैं सब्जी वगैरह। रात कितने बज रहे हैं? 12:30 है ना। चीजें वीजें और बोन फायर भी चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है। देखो भाई नज़ारे देखो। अरे जा तो अब खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले कर लेते हैं डिनर, फिर करते हैं बाकी बातें। इधर देख बढ़िया मस्त बनाए हैं। याद भाई कैसा है राफी? जबरदस्त चम। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल आपसे, गुड नाइट। तो हम भी सोने वाले हैं, आप भी सो जाइए। तो कल आपसे मुलाकात होगी सवेरे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और ड्रीम्स मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। तो बाहर का व्यू देखो कैसे है सुबह सुबह। कर दे फोल्ड। तो आग वगैरह हमारी चल चुकी है, बोन फायर। ठंड बहुत है देख सकते हैं आप, मौसम कैसा जबरदस्त है। ओहो बिल्कुल फॉगी है। बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं पहाड़ों पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है। अभी भी जून जुलाई में बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। इतनी ठंड है, इतनी ठंड, क्या बोलूँ मैं आपको। मज़े बहुत है, एंजॉय कीजिए इस व्यू। तो हमारा खाना पीना जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं आगे पेंगोंग की तरफ। अगर छोड़ दिया आज रास्ता, अगर खुला होगा, नहीं होगा तो बस चले जाएंगे वापस। इस ट्रिप को कर गए यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर थोड़ी दूर से आपसे, थोड़ी देर में आपसे। तब तक के लिए बने रहिए। फाइनली हम यहाँ से छूट चुके हैं चेकिंग पॉइंट पे, पास दूसरे वाले रास्ते से गए हम मनाली वाले साइड से। तो परमिट वगैरह बना लिया हमने यहीं पे ऑनलाइन, काफ़ी हेल्प मिली यहाँ पे इनसे। तो ये जो मेरे पीछे आप रास्ते देख रहे होंगे, एक मनाली की तरफ जा रहा है और एक जो लेफ्ट साइड है वो पीछे पेंगोंग की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से 200 कुछ किलोमीटर है पेंगोंग। तो निकलते हैं हम आगे, मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आपको पूरी जर्नी। चलो फिर निकलते हैं पेंगोंग की तरफ। यहाँ से जो पेंगोंग है, यहाँ से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअली पेंगोंग का रास्ता था वहाँ से कारू से,
वो अभी बंद हो रखा था बिकॉज ऑफ लैंड स्लाइडिंग और बाकी चीजों की वजह से। तो हमने सोचा चलो क्यों हम ट्रिप मिस नहीं करते, अभी दो दिन से हम लेह में ही घूम रहे थे इधर उधर, तो हम भी आप व्यूअर्स को मैं सोचा अभी ये भी दिखा देते हैं यहाँ से जो रास्ता है दूसरे वाले साइड से, तो ये भी दिखा देते हैं आपको। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है बट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम आए। तो एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल व्यू को और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाइएगा इस वीडियो को। तो एक बात है कि भाई अब बारिश में वगैरह कभी यहाँ से ना आइएगा क्योंकि कभी भी पहाड़ आ सकता है ऊपर से। अभी भी हमारे सामने एक स्लाइड आया है, काफी दिक्कत वाला रास्ता है ये भी। मेरा ये सजेशन है आपको कि आप कभी बारिश में मतलब ट्रैवल ना कीजिएगा इस रास्ते, ना पेंगोंग वाली साइड, ना उस वाले कारू वाली साइड से, ना इस वाले साइड से, ना ही नूबरा वैली वाली साइड से, क्योंकि सारे डेंजरस एरिए हैं। फर्स्ट आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी सेफ्टी है, अगर आपकी जान है तो सब कुछ है, फिर आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं। भाई कैसी लगी हमारी चाइनीज, हमने सीख ली है देखा, तीन चार दिन में चाइनीज वाइनीज क्लास। हम बोल रहे थे कि बारिश बहुत तेज हो रही है, पत्थर वत्थर भी आ रहे हैं, समझ आई ना। हाँ शो शाह बनाने के